अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भारत किचन। आज मैं मोहरम के रोड बनाने जा रही हूँ, जिसके मुझे रिक्वेस्ट है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लापसी ली है घेव की, और ये बारीक लेंगे एकदम इसके लिए रोड के लिए। पहले घेव अक्खे घेव लेकर पीसते थे, लेकिन इसको भी पीसना पड़ेगा। इसके लिए पाव किलो के लिए पाव किलो गुड़ लगेगा, इलायची पाउडर 50 ग्राम मैंने प्योर घी लिया है, आप मस्का या फिर डालडा भी यूज कर सकते हैं। और ये बेकिंग पाउडर है, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। नमक थोड़ा सा आधा टीस्पून, और एक कप भर के दूध है, एक कप से थोड़ा सा मैंने कम लिया है। और सबसे पहले हम लोग गुड़ को पिघला कर लेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद हम लोग लापसी को पीसेंगे। गुड़ को मैंने एकदम बारीक काट करके लिया है, देखिए आप देख सकते हैं, ये मोहरम के रोट है, इसमें गुड़ और ये लापसी में बनते हैं। और ये रोट में अंडे वगैरह नहीं जाते, इसमें मैंने अभी दूध डाल दिया। इसको अच्छे से चम्मच से इस तरह हिलाकर अच्छे से गुड़ को पिघलने देंगे, हाथ से भी मसल कर इसको पिघला सकते हैं। एक 10 मिनट हम लोग इसी तरह रखेंगे, तब तक हम लोग लापसी को अच्छा बारीक पीस कर लेंगे। देखिए गुड़ को मैंने घोल कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, वो घुल जाएगा अच्छे से। और ये लापसी को मैंने मिक्सर में देखिए बारीक एकदम पीस कर लिया है। लापसी को पीसना जरूरी है, क्योंकि ये लापसी जल्दी फूलती नहीं है और इसको पकने को टाइम लगता है, इसके लिए एकदम पाउडर के जैसा पीस कर लेंगे, तो जल्दी से हमारे रोट में भीग जाएगी वो। अभी इसके अंदर हम लोग नमक डालेंगे, घी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आप चाहो तो इसमें कलर डाल सकते हैं, मैं कलर नहीं डाल रही हूँ। और इसमें इलायची पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, देखिए अभी हम लोग इसमें ये पिसी हुई लापसी डालेंगे, और इसको भी अच्छे से एक बार मिक्स करके लेंगे इस तरह से। ये मैं रात में बना रही हूँ, रात में बिगने डाल रही हूँ, रात भर मैं इसको रखूंगी और सुबह में बनाने वाली हूँ, क्योंकि लापसी को बिगने के लिए टाइम लगता है, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करके रख लेंगे। अभी मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, इसमें बेकिंग पाउडर डालना जरूरी है, क्योंकि अंडे नहीं है इसमें, अंडे रहने से बैटर अच्छे से फूल जाता है, अंडे नहीं डालते इसमें। पहले गांव में घेव पीसकर ये मोहरम के रोड बनाते थे, अभी लापसी मिलती है रेडीमेड तो बना सकते हैं आसानी से। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे, एक 2-3 मिनट इसी तरह से फेटेंगे। देखिए हमारा मिक्सर रेडी हो गया, इसको अभी मैं रात भर फूलने के लिए छोड़ूंगी और सुबह में फिर इसके हम लोग रोड बनाएंगे। ये देखिए रोड का बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है, जो रात में मैंने डाला था, ये देखिए देख सकते हैं आप, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम लोग प्लेट में डालेंगे बैटर को। ये मैंने छोटे छोटे प्लेट लिए, इसको मैंने घी लगा कर लिया है, ये खसखस है, थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। अब मैं इसको प्लेट में डालूंगी, और ये मैं ओवन में बना रही हूँ, आप चाहे तो गैस पे भी बना सकते हैं। गैस पे कैसे बनाते हैं मैंने ये पहले वीडियो में आपको बताया है, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसको इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से। आप बड़े बर्तन में डालकर बड़ा भी बना सकते हैं, फिर इसको कट करके रख सकते हैं। इसको इसी तरह भी बनाते हैं और बड़ा भी बनाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी खसखस डालेंगे, कटे हुए बादाम डालेंगे, अब चाहो तो काजू भी डाल सकते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा इस तरह से दबाएंगे, ओवन मैंने गर्म होने रखा है 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने। इसको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसको 15 मिनट बाद एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे कि पका है क्या नहीं, 15 से 20 मिनट लगते हैं।
ये देखिए रोड हमारे बन चुके हैं। मैंने ओवन से निकाला इसको, 15 मिनट लगे टूथपिक डाल के मैंने चेक किया है। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको हम लोग निकालकर सर्व करेंगे। ये हमारे मोहरम के रोड बनके तैयार है, बहुत अच्छे बने हैं, एकदम अच्छे सॉफ्ट। और ये गुड़ डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क दिखता है। ये बिना अंडे के भी अच्छे बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।